हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पॉकेट के बारे में। दोस्तों, जो पॉकेट होती है वो पहले जनरली जो जेंट्स के आउटफिट्स होते थे उनमें यूज़ की जाती थी, और वो इस चीज़ को मतलब अपने जो एसेसरीज होती है उनको कैरी करने के लिए वो इन चीज़ों का उपयोग करते थे। बट आज के दौर में जो लेडीज़ें हैं वो भी अपनी एसेसरीज़ को कैरी करने के लिए इसे यूज़ कर रही हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे हमारे अपडेशन है चैनल्स की आप तक सीधे पहुँचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि हम कुर्ते में पॉकेट किस प्रकार से लगाते हैं। ये देखिए, हमने पॉकेट लगाने के लिए ये फैब्रिक लिया है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो मैं बता देती हूँ। ये हमने, ये देखिए, ये 10 इंच हमारा इसका ये लेंथ है। जब हमने इसको ये डबल फोल्ड कर रखा है, जब हम इसको सिंगल फोल्ड करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 20 इंच निकलती है, और इसकी जो हमने चौड़ाई वो 6.5 इंच इस तरीके से ले रखी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कुर्ता है, ये देखिए, ये हमारा कुर्ता है, जो हम पॉकेट लगाते हैं वो हम राइट साइड पॉकेट लगाते हैं। तो ये हमारा, देखिए, हम राइट साइड में पॉकेट लगाएंगे। ये हमारा कुर्ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फिटिंग का मेज़रमेंट होगा उस पर हमें एक स्टिचिंग पूरी कर लेनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे कुर्ते का शोल्डर है वहाँ से हमें इस तरीके से मेज़रमेंट करना है, और 15.5 इंच पर हमें एक मार्किंग करनी है। ये देखिए, ये 15.5 इंच है, ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है 15.5 पे, ठीक है। फिर यहाँ से, इस जगह से हमें 6 इंच की मार्किंग करनी है। ये जो हमने मार्किंग की है, ये आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं, कि किसी का हाथ पतला होता है तो आप 5.5 पे भी लगा सकते हैं, वरना 6 इंच का जो मार्जिन हमने लगाया है वो सफिशियंट होता है। अब क्या करना है, जो हमारा पॉकेट है उसे इस तरीके से हमें रखना है इसके ऊपर, इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से हमें मैनेज करना है इसको, और इसे इस तरीके से सीधा कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये हमने मार्किंग कर रखी थी, जो हमारी यहाँ पे स्टिचिंग थी, हमने यहाँ से लेकर और जो हमने यहाँ पर जो हमने 6 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक हमें इसकी स्टिचिंग हटा देनी है, और इसे इसी स्टिचिंग के अकॉर्डिंग हमें शेप बनानी है इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने शेप बना ली है, और जो हमारी यहाँ पर ये चीज़ हमारी यहाँ से आ रही है, जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था, ये देखिए यहाँ पर आ गई। एक हमें मार्किंग इस प्रकार से करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें इस तरीके की शेप लेनी है, इस तरीके की शेप लेनी है, और हमें इसी शेप पे इसकी कटिंग करनी है। ये जो हमारी ये वाली शेप है, सबसे पहले हम यहाँ पर कटिंग करेंगे बाहर साइड, ये इस तरीके से, और जो ये वाली हमने शेप दी है हमें इसी तरीके से इस शेप पे कटिंग करनी है। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। हमने यहाँ पर जो निशान लगाया था, अब हमें जो स्टिचिंग करनी है, ये देखिए, यहाँ पर हमें दबाव इस तरीके से रखते हुए हमें इसकी यहाँ पर इस प्रकार से स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ तक हमने निशान लगाया था तो हमें यहीं तक इसकी स्टिचिंग करनी है, बाहर तक नहीं निकालनी है। इस तरीके से पक्का कर लीजिए।
ये देखिए ये हमने पक्का कर लिया है। एक स्टिचिंग हमें यहाँ पे भी लगानी है जो कि हमने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस प्रकार से जो हमारा ये शेप है ये हमें इस प्रकार से इसको क्रीज बनानी है। इसमें हल्का सा हमें नॉचेज लगाने हैं क्योंकि ये हमने थोड़ा सा राउंड शेप दिया है तो ये नॉचेज इसको कवर कर लेगा, जो इसमें खिंचाव हो रहा है तो ये नॉचेज इसे कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें ये क्रीज बना लेनी है और ये हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है। ठीक इसी प्रकार से इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कुर्ता है यहाँ से यहाँ तक की हमने सिलाई हटा ली है ऑलरेडी। अब जो हमारी यहाँ पर मार्किंग हो रखी थी फिटिंग की, इसी मार्किंग को हमें इस तरीके से जो हमारा उल्टा साइड है उस पर हमें उठा लेना है इस तरीके से। ये देखिए ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इसमें हमने हल्के हल्के नॉचेस लगा लिए हैं ताकि ये हमारा जो राउंड है, ये हमारा राउंड जब हम इसे इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर ये खिंचाव लेता है तो ये नॉचेज इस खिंचाव को एडजस्ट कर लेते हैं। अब क्या करना है, हमें इस तरीके से कुर्ते को रखते हुए हमारी जो ये चीज़ है, हमारा ये पॉकेट है, इसे इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर हमें इस तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए अब हमारा जो ये दूसरा वाला पोर्शन है इस पे भी हमें इसी तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये हमने स्टिचिंग खोली थी ये स्टिचिंग हमें यहाँ तक वापस लेके आनी है, यहाँ हमें पक्का करना है और जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर भी हमें पक्का करना है। ये सिलाई हमें खुली नहीं छोड़नी है।
हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन पे जो हमारा अब ये चाक है, ये यहाँ से हमें थोड़ा सा कट करना है इस तरीके से, और इसे जो हम इसे फोल्डिंग करेंगे तो इसे इसी के साथ में हमें दबा देना है ये इस तरीके से, ताकि जो हमारी ये पॉकेट है ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ ये हमें चाक किस प्रकार से फोल्डिंग करना है। ये हमने कुर्ते का इस तरफ से लिया है भाग, यहाँ से मैं फोल्डिंग करते हुए उसको फोल्ड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने इधर से फोल्ड किया, ये देखिए मैंने यहाँ तक ये फोल्ड कर लिया है। एक चाक जो हमारा है वो हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसे यहाँ तक लेके आना है और इसे इस तरीके से रखते हुए, अब जो हमारा ये चीज़ है, इस चीज़ को हमें इस पर अरेंज करनी है। और इसे इस तरीके से इसको अटैच करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पॉकेट है वो हमारा स्टिच होके रेडी हो चुका है। अब इसको उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये पॉकेट है वो स्टिच होकर रेडी हो चुका है। ये देखिए बड़ी फिनिशिंग से देखिए, और जो हमने यहाँ पर दबाव छोड़ा था वो भी हमारा कवर हो चुका है। जो स्टिच है वो भी हमने पूरी इसकी पक्की कर दी है, और ये देखिए बड़ी आसानी से इसके अंदर हमारा हाथ जा सकता है। आई होप दोस्तों हमारा यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुआ होगा। हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से आपको पॉकेट लगाना बताया है, और इसकी जो जानकारी है आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में और एक नई जानकारी लेकर।